नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी लेके आया हूँ बड़े कमाल की मोदक की। सिंपल से मोदक, अति सुंदर दिखने वाले और घर में जो सामान उसी से बन जाएगा छोटा मोटा। ये देखिए, तो आपको एक सिंपल सी और सबसे अल्टीमेट रेसिपी बताएंगे मोदक बनाने की। ये हमने आटा लिया, घी लिया, आप इसमें देसी घी भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं। जो आटा है, ये जो आटा लिया मैंने करीब 200 ग्राम, घी करीब 100 ग्राम। ये देखिए, इसको अच्छे से पका लेंगे, बढ़िया पकना चाहिए, इसमें बढ़िया खुशबू आने चाहिए, कच्चा नहीं रहने चाहिए और हेल्थी भी रहेगा। ये देखिए, सबसे बड़ी बात गेहूं के आटे का है ये, इसको अच्छे से पकाएंगे। ये अच्छे से पक जाएगा, ये देखिए, इसको चलाते रहना, मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको। एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है और लालपन आ जाता है। और ये इसमें थोड़े से मेवे बोले तो ड्राई फ्रूट, इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और ये सब हैं, किशमिश, थोड़ा थोड़ा सारा मिक्स करके डाल दिया इसको, थोड़ी देर साथ में पका लेंगे। ये देखिए, अब डाल दिया हमने शक्कर, आप इसमें शक्कर बूरा भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं। शक्कर ली हमने करीब करीब इसमें 150 ग्राम, ये देखिए। और अब अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। ये देखिए, ये सिक चुका है पूरी तरह के तरीके से, अच्छा हो गया है ये पूरा हो गया है। और ये हमने डाला इसमें दूध पाउडर, अगर आपके पास दूध पाउडर है तो डाल सकते हैं, ना तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा मावा भी मिला सकते हैं आप ग्रेट करके। घर में मावा है तो मावा डाल दें, अगर दूध पाउडर है तो दूध पाउडर डाल दें, और दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों ना डालें। ये देखिए, थोड़ा दूध डाल दें, बाद में बताएंगे आपके लिए। और इसमें दूध मसाला अगर है तो, ना तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए। ये हम दूध डालेंगे, दूध इसमें हमने करीब करीब लिया है 100 ग्राम के आसपास दूध लिया है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। करीब करीब 100 से 125 ग्राम दूध था, ये देखिए, ये इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पक चुका था पूरी तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा घी और डाल दिया ऊपर से हमने, एक टेबल स्पून घी डाल दिया। और ये इसको बस, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको पकने देंगे थोड़ी देर बाद, जब ठंडा हो जाएगा तो ये देखिए पूरा अलग अलग हो गया। अब इससे हम बनाएंगे मोदक। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल आसान रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, सिंपल सी, खाने में लाजवाब और हेल्थी। ये देखिए, और चाहो तो इसमें मावा भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से हम मोदक बना लेंगे। सांचा मिल जाता मार्केट में बड़ी आसानी से, तो आप खरीद लें, और सांचा नहीं है तो हाथ से ही बना लें। ये देखिए, ये हमारा, ये वाव, ये देखिए कितना वाव, इतना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं मोदक। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएगा। आप लोग लिंक मिल जाएगी शेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, येलो ग्रेवी, चौ मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी। ये देखिए, तो बस इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों को लिंक दे दूंगा शेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, येलो ग्रेवी, चौ मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी। ये हल्का सा कलर था, चाहो तो आप केसर भी लगा सकते हैं। और तीनों चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। तो थैंक यू सो मच, और इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं बड़े आसानी।